हरदोई से अपहृत हुआ 12 वर्षीय किशोर लखनऊ के मलिहाबाद से हुआ बरामद। पुलिस ने दो अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार। विगत दिवस बिलग्राम थाना क्षेत्र के रहुला गांव से लापता हुआ था 12 वर्षीय किशोर। पुलिस मुकदमा दर्ज कर किशोर और अपहरणकर्ताओं की कर रही थी तलाश। पुलिस की मुस्तैदी के चलते अपहरणकर्ताओं ने किशोर से की थी जमकर मारपीट और मृत समझकर लखनऊ के मलिहाबाद में छोड़कर हुए थे फरार। मलिहाबाद के ही एक युवक ने घायल अवस्था में किशोर को अस्पताल में भर्ती कराकर हरदोई पुलिस को दी थी सूचना। सूचना पर पहुंची बिलग्राम पुलिस किशोर को लेकर पहुंची हरदोई। किशोर के पिता शमसुद्दीन ने गांव के ही कासिम समेत 3 युवकों पर पूर्व में दर्ज कराया था गैंगरेप का मुकदमा। बीते कुछ दिनों पूर्व ही जेल से छूटे हैं। गैंगरेप के आरोपी जेल से छूटे कासिम के भाई हाशिम ने अपने साथी शामीन के साथ मिलकर इसी रंजिश के चलते किशोर का किया था अपहरण। पुलिस ने दोनों अपहरणकर्ताओं को घटना में प्रयोग की गई कार के साथ किया गिरफ्तार। दल थाना बिलग्राम से एक 12 वर्षीय बच्चा गुम हुआ था जो कि मलिहाबाद थाना क्षेत्र में बरामद हुआ था। हमारी पुलिस टीम बच्चे से बात करके और परिवारजनों से बात की तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि गांव में पूर्व में रंजिश चल रही है जिसमें कासिम और हाशिम नाम के दो भाई हैं, जिसमें कासिम पर 376D का मुकदमा पूर्व में पंजीकृत था जिसमें वो जेल गया था, जेल से छूट के आया है। कासिम का भाई हाशिम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस बच्चे का कल शाम को गांव के बाहर से मारपीट के उठाया था और वहां ले जाके फेंक दिया था। इस संबंध में पुलिस कार्रवाई करते हुए हाशिम और समीम नाम के दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से घटना में प्रयुक्त बैगनार कार भी बरामद की गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है।